और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने रेल मंत्री पीयूष गोयल पर कारोबारी समूह पीरामल ग्रुप का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये बड़ा आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि पीयूष गोयल ने 2014 में बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री बनने के बाद अपनी कंपनी फ्लैशनेट के आधे शेयर पीरामल समूह को बेच दिए थे। कांग्रेस के आरोप का आधार यह है कि पीरामल समूह भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में है और जब पीयूष गोयल ने शेयर बेचे तब वो रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री भी थे। ऐसे में ये हितों के टकराव का मुद्दा है। तो बिजली मंत्री रहते हुए फायदा पहुंचाया बिजनेसमैन दोस्त को, इस बात की जानकारी उन्होंने पीएमओ को दी जाने वाली संपत्ति की जानकारी में नहीं दी थी, ये भी आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री बनने पर अपनी कंपनी के सारे शेयर पीरामल समूह को बेचे पीयूष गोयल पर कांग्रेस के ये बड़े आरोप। 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए में बेचा गया, ये बड़ा आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। पद पर रहते हुए, मंत्री रहते हुए हितों के टकराव का ध्यान नहीं रखा गया और साथ ही पीएमओ और चुनाव आयोग सौदे के बारे में नहीं जानता, उन्हें अंधेरे में रखा गया। पीयूष गोयल ने जानकारी पीएमओ को नहीं दी, चुनाव आयोग को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। That Mr. Piyush Goyal and his wife, Shrimati Seema Goyal, were directors in a company, Flashnet Info Solutions India Limited. Shri Goyal was a director from 25th November 2004 to 26th May 2014, and his wife, Shrimati Goyal, was a director from 1st April 2009 to 26th May 2014. Flashnet Info Solutions India Limited. Both continued to own 99% of the company even after resigning as director. आप जब मंत्री बने आपने डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया, आपकी धर्मपत्नी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप 99% उसका शेयर्स आपके पास फिर भी रहे। यू आर अ मिनिस्टर, यू रिजाइंड एज अ डायरेक्टर, येट यू कंटिन्यूड to own 99% shares of Flashnet Info Solutions India Limited. In September 2014, after 4 months into holding the power and renewable energy portfolio, Piyush Goyal sold the entire stock of Flashnet Info Solutions India Limited at a premium of 1000% to a group company of Piramal Estates Private Limited. September 2014 mein, पीयूष गोयल जी और उनकी धर्मपत्नी अपना इक्विटी, अपना स्टॉक फ्लैशनेट इन्फो सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड का, जो 10 रुपए प्रति शेयर का 50,020 शेयर्स पीरामल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को 1000% प्रीमियम पे बेच देते हैं। ये एक रिकॉर्ड है। आज आरआईएल के शेयर्स भी 900 पे ट्रेड करते हैं प्रणव जी, और ये एक रिकॉर्ड देखिए कि 1000%, 10 रुपए का शेयर 9,950 रुपए। ऐसी क्या बात थी इस कंपनी में, ऐसा क्या कारण था कि इतनी बड़ी कीमत पर यह कंपनी के शेयर्स पीरामल एस्टेट ने खरीदे? तो पीयूष गोयल पर कांग्रेस के ये गंभीर आरोप। पीयूष गोयल के बारे में आइए जरा विस्तार से आपको बताते हैं कौन है पीयूष गोयल। हम पीयूष गोयल के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब तक कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर पीयूष गोयल का पक्ष सामने नहीं आया है। तो पीयूष गोयल के बारे में जान लीजिए, इस वक्त रेल मंत्री, कोयला मंत्री देश के पीयूष गोयल हैं और रेल मंत्री बनाए जाने से पहले बिजली मंत्री रहे पीयूष गोयल। सरकार के बड़े मंत्रियों में से एक हैं पीयूष गोयल। 33 साल से बीजेपी में कोषाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। पिता वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। वेद प्रकाश गोयल भी बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे। तो कांग्रेस के पीयूष गोयल पर ये बड़े आरोप, पीयूष गोयल के पक्ष का इंतजार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।